सबरीमाला मंदिर का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नेशनल अयप्पा डिवोटी एसोसिएशन के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फैसले में धार्मिक भावनाओं के पहलू को अनदेखा कर दिया गया है और ऐसे में कोर्ट का 28 सितंबर का फैसला असंवैधानिक है, इसलिए कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी थी, फैसले की वजह से 10 से 50 साल की महिलाओं के एंट्री पर लगी रोक हट गई है। वहीं अयप्पा श्रद्धालु अदालत के आदेश को लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी ने भी केरल सरकार के रुख का खुलकर विरोध किया, जबकि लेफ्ट ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। धार्मिक भावनाओं के नाम पर बीजेपी और आरएसएस इसका पूरे तौर पर पॉलिटिकल उसके मोबिलाइजेशन करने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के प्रति जो जनता का जो विश्वास बढ़ा है उसको तोड़ने के लिए ये लोग एक मुद्दा के रूप में उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सही नहीं है।